हाय लवर्स, कैसे हो? होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो है कि कोई लड़की आपकी बात नहीं मान रही तो उसे अपनी बात कैसे मनवाए, अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे क्या बात करे कि वो डेफिनेटली आपकी सारी बात बिना कोई क्वेश्चन के मान ले। किसी नई लड़की से आपने बात करना शुरू किया है लेकिन वो आपसे खुलकर बात नहीं करती या फिर तुम्हारी बातों को नहीं मानती, ऐसा क्या करें कि लड़कियां जो है तुम्हारी बातों को आंख मूंद कर भरोसा कर ले। तो वो सारे ट्रिक्स ना मैं इस वीडियो पे बताऊंगी, लेकिन हाँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी। किसी भी लड़की से अपनी पूरी बात मनवाने के लिए ना उसका बेस जीतना होगा। अब वो पॉइंट क्या है? नंबर वन पॉइंट है ट्रस्ट। अगर तुमने बेस बना लिया ना ट्रस्ट के बेसिस पे, तो डेफिनेटली वो तुम्हारी सारी बातों को मानेगी। तुम कुछ भी बोलो वो मना बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन ये ट्रस्ट कैसे जीता जाए? किसी का विश्वास जीतना स्पेशली लड़कियों का इतना ईजी नहीं है। तो देखो, लड़कियां तीन बेसिस पे, तीन पॉइंट पे लड़कों को जज करती है। अब वो तीन पॉइंट क्या है? तो नंबर वन है नेचर और बिहेवियर पर, तुम्हारा नेचर बिहेवियर कैसा है। नंबर टू कि तुम्हारी स्टोरी कैसी है, किस टाइप की स्टोरी है तुम्हारी, कैसे बंदे हो, तुम्हारा कोर क्या है, तुम भी चाहिए क्या, ये सारी चीज नंबर टू। नंबर थ्री में आता है तुम्हारा सेक्सुअल कोर, तुम्हारी सेक्सुअल स्टोरी क्या है, क्या चाहते हो, यानी बंदी को, किसी लड़की को किस तरीके से तुम देखते हो। ये तीन चीजें लड़कियां देख कर ही ट्रस्ट बनाती है। अब कैसे इन तीन पॉइंट को आप उसके सामने रखोगे और उसका दिल जीतोगे वो आगे बताती हूँ। तो देखो, लड़कियों को क्या चाहिए? नंबर वन, इनोसेंस होना। अगर तुम इनोसेंट दिख गए तो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इनोसेंस होने के लिए तुम्हें ये करना होगा कि लड़कियां चाहती हैं कि जो मेरा बंदा हो ना वो पहला बंदा हो जो किसी और लड़की पे फिदा ना हो, किसी और लड़की के चक्कर में ना हो, जो हो बेसिकली मेरा हो। तो ऐसे तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हें लड़कियों के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, तुम्हारी लाइफ में इतनी भी लड़कियां नहीं आई थी और तुम्हारा ज्यादा ब्रेकअप नहीं हुआ है, पैचअप नहीं हुआ है, तुम्हारी किसी से ज्यादा स्टोरी नहीं है, यानी तुम बेसिकली कुछ आइडिया नहीं है, यू आर इनोसेंस पर्सन और तुम्हें सिर्फ अपने लाइफ में कुछ करना है, मोटिवेशन है तुम्हारा, तुम्हारा कुछ गोल है, उन चीजों पे तुमने फोकस किया है। अगर तुम ऐसे उसके सामने प्रेजेंट करते हो खुद को लाइक सॉफ्ट इनोसेंस बंदा, तो डेफिनेटली वो तुम्हारा विश्वास यानी ट्रस्ट करने लगती है। जब भी तुम उससे बात करो ना, इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए हमेशा रात में बात करना जरूरी है, क्योंकि लड़कियां चेक करती है कि क्या इसका कोई किसी और से अफेयर है, कि मुझसे थोड़ी ना बात करता होगा, किसी और से भी बात करता होगा, इसीलिए वो टेस्ट करने के लिए रात में बात करना चाहती है या फिर सडनली तुमसे बात करना चाहती है। और तुम जब उसे अवेलेबल होते हो, तुम उसका कॉल का मैसेजेस का रिप्लाई करते हो विद इन 2 और 5 मिनट्स या कुछ देर में, तो उसे भरोसा हो जाता है कि ये बंदा अकेले, इसकी लाइफ में कोई नहीं है। और तुम अपनी इमेज को भी ऐसे दिखा सकते हो लाइक मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं है, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, फिर तुम ही हो जो जिससे मैं बातें करता हूँ। लड़की के साथ इमोशनल कार्ड खेलने के लिए या फिर उसे इमोशनली कैप्चर या फिर उसका इमोशन जीतने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए जरूरी है कि तुम्हें 3-4 वर्ड्स हमेशा इस्तेमाल करो, लाइक मेरा कौन है जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करूँ। दोस्त हैं बट वो अपने अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, होता है कोई चाहिए जिसे बातें शेयर करें, ऐसी बातें करो उसके साथ, ऐसे वर्ड्स यूज करो। फिर अगर आप उसे कहोगे कि रोना तो चाहता हूँ, बहुत कुछ है लाइफ में इमोशनल, बहुत सारी चीजें, बट मैं किससे शेयर करूँ, कोई समझने वाला भी तो चाहिए ना, कोई समझने वाली हो तब तो। उसके सामने ऐसे दिखाओ कि मैं रूठता हूँ बट मुझे मनाने वाला कोई नहीं, किससे रूठूं कि कोई मुझे मनाए, लाइक अपने आप को इतना लोनली फील करवाओ दैट उसका इमोशंस जाग जाए और वो तुम पे दया करने लगे, प्यार करने लगे कि यार इसका कोई नहीं है, अगर मैं इससे कुछ देर बातें कर लेती हूँ तो क्या ये जाता है, कितना अच्छा बंदा है, कभी भी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। अगर तुम ऐसी उसके साथ करते हो ना तो वो तुम्हारे भरोसे पे आ जाती है और फिर उसके साथ तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन होने लगता है, वो तुम्हारी बातें मानना शुरू कर देती है। जीएफ के बारे में हर कोई जानना चाहती है कि तुम्हारी क्या पास्ट में कोई थी, क्या तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था और वो रिलेशनशिप कितना दूर तक पहुंचा था, किस स्टेज तक था, यानी तुम शादी क्यों नहीं हुई तुम्हारी। तो तुम अपने आप को ऐसे दिखाओ कि हाँ मैं किसी से प्यार करता था। अगर तुम खुद को इतना भी सिंगल दिखाओगे कई बार तो वो भरोसा नहीं करेगी, हाँ मेरी लाइफ में कोई थी लेकिन हमारे बीच में ऐसे कुछ भी नहीं था, कुछ ऐसी कंडीशन हुई। कोई भी ऐसी स्टोरी सुनाओ जिसको सुन के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए और तुम्हारे साथ इमोशनल कनेक्शन उसका जुड़ जाए। तुम्हें अपने आप को हीरो बनाना है। बहुत सारी चीज़ें होती है ना,
बचपन की बातें या फिर अभी की बातें या फिर लड़कियों के साथ कुछ ऐसे मोमेंट, लाइक तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम उससे इतना प्यार करते थे और तुम्हारे बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, और खुद को इनोसेंट दिखाना है। लाइक जैसे सेक्सुअल कोर की या फिर पॉइंट की बात करूँ तो हर लड़की चाहती है कि कैसा नेचर का है, मैं से टेस्ट करती हूँ, तो वो सेक्सुअली अट्रैक्शन के बेसिस पे भी तुम्हें टेस्ट करती है। लेकिन जब तुम उसे कहते हो कि नहीं ये सब मैं आफ्टर मैरिज ही करूँगा, तो उसे लगता है यार कैसा बनना है। आज के समय में तो कोई ऐसा नहीं होता कि जो इतना सीरियस होता है सिर्फ सेक्सुअल पॉइंट को लेकर या फिर फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर। किसी लड़की की इतनी इज्जत कि मैं जिसे छूँगा उसे अपनी वाइफ को ही छूँगा, उसी के साथ ही मैं करना चाहता हूँ, प्यार अपनी जगह है, वो रिलेशनशिप बनाना अपनी जगह है। जब तुम ऐसी बातें करते हो तो खुद को हीरो बनाते हो उसके सामने, और ऐसी ही हीरोइक स्टोरी तुम्हें अब उसके पास रखनी है, तभी तो लड़की का तुम इमोशनल अटैच कर पाओगे खुद के साथ और उसकी नजरों में खुद को हीरो बना पाओगे। अब तुमने उसे इमोशनली अपने साथ अटैच तो कर ही लिया, उसका भरोसा जीत लिया, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है कि किसी के दिल के साथ ना खेले। मैंने सारी चीजें आपको इसलिए बताया क्योंकि आप अपने प्यार को पालें, आपको थोड़ी आसानी हो जाए अपनी प्यार को पाने में और आप अपनी लाइफ में खुश रहे। होप सो कि आप वीडियो को पॉजिटिवली लेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि क्या आपको किसी से प्यार है या फिर नहीं, क्या उससे आप कितना प्यार करते हैं वो भी परसेंटेज वाइज जरूर लिखिए कि आप उसे 100% 200% कितना प्यार करते हैं और कितना मिस करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तो प्लीज चेक द प्लेलिस्ट फॉर मोर वीडियोस। Thank you.